तो हेलो माय राइडर फैमिली दोस्तों, 2023 में नया साल आने वाला है और बहुत सारे लोग नए साल पर नई बाइक परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि उनको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बाइक के बारे में बताऊंगा जो अभी रिसेंटली इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हुई है और जिनका प्राइस आपको 1.5 लाख से 2 लाख के प्राइस पॉइंट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, जो नंबर 5 पर बाइक आती है वो है बजाज की ऑल न्यू पल्सर P150। अब जिन लोगों का बजट कम है और अगर आप 150 सीसी की कोई ऐसी बाइक परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो जो मार्केट में बिल्कुल नहीं हो, तो आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। अगर हम इस बाइक के लुक और डिजाइन के बारे में बात करें तो इस बाइक के जो लुक और डिजाइन है वो काफी ज्यादा आपको बेहतरीन देखने के लिए मिलते हैं। इस बाइक में आपको बिल्कुल लेटेस्ट और फ्रेश लुक देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको अभी तक किसी भी बाइक में देखने के लिए नहीं मिलते थे। अगर हम इस बाइक के फ्रंट सेक्शन की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के इंडिकेटर की बात करें तो इस बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन में देखने के लिए मिल जाएंगे और जो रियर टेल लाइट है वो आपको LED में देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल बाइक के जो लुक है वो काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा देखने में बेहतरीन लगते हैं। अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 149.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 3-valve DTSI एयर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,21,000 तक के एक शोरूम प्राइस में देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, जो नंबर 4 पर बाइक आती है वो है TVS की ऑल न्यू रोनिन 225। अब अगर आप एक कातिल लोंडे हैं और अगर आपको अपनी बाइक के पीछे अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग राइड पर लेके जाना है तो भैया डेफिनेटली आपको ये बाइक ही परचेज करनी चाहिए, क्योंकि इस बाइक के जो लुक है वो आपको बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम इस बाइक के फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको राउंड LED हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कम्प्लीटली आपको LED में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस बाइक के इंडिकेटर की बात करें तो वो भी यहाँ पे आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और इस बाइक की जो टेल लाइट है वो भी आपको LED में देखने के लिए मिलेगी। इवन इस बाइक की जो नंबर प्लेट लाइट है वो भी आपको LED में ही देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल इस बाइक में आपको LED सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर हम इस बाइक के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। आप इस बाइक से आसानी से बहुत ज्यादा लंबी लॉन्ग राइड कर सकते हैं, आपको बैक पेन जैसी कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 225 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve ऐसी इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,49,000 के शोरूम प्राइस में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो नंबर 3 पर बाइक आती है वो है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350। इस बाइक ने इंडिया में लॉन्च होने के साथ इंडिया में तबाही मचा दी थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है सबसे ज्यादा सस्ते सुंदर टिकाऊ माल की, तो यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए रॉयल इनफील्ड ने काफी ज्यादा रिसर्च की और उन्होंने यंग जनरेशन की चॉइस को देखते हुए इस भयंकर बाइक का निर्माण कर दिया। सीरियसली दोस्तों, अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो इस बाइक के जो लुक है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर हम इस बाइक के फ्रंट सेक्शन की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कंपनी अगर चाहती तो इस बाइक में आपको LED सेटअप भी प्रोवाइड करवा सकती थी, बट यहाँ पे एक परफेक्ट रेट्रो लुक देने के लिए यहाँ पे कंपनी ने हैलोजन सेटअप प्रोवाइड करवाया है। इस बाइक के जो इंडिकेटर है वो भी आपको हैलोजन में देखने के लिए मिलते हैं और जो रियर टेल लाइट है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल बाइक के जो लुक है वो काफी ज्यादा देखने में प्रीमियम लगते हैं, सीट क्वालिटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों, फाइनली अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke SOS इंजन देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,49,000 के शोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, जो नंबर 2 की पोजीशन पर जादुई बाइक आती है उसे बजाज ने रिसेंटली 2022 में ही लॉन्च किया था। मैं बात कर रहा हूँ बजाज की पल्सर N160 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि TVS की अपाची 160 जो बाइक है वो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी टाइम से नंबर 1 की पोजीशन पर राज कर रही है, लेकिन जब से बजाज ने इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया है, इस बाइक ने अपाची की सेल को काफी हद तक डाउन कर दिया है, क्योंकि इस बाइक में आपको अपाची के कंपैरिजन में काफी अच्छे लुक देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम इस बाइक के ओवरऑल लुक के बारे में बात करें तो इस बाइक के जो लुक है वो काफी ज्यादा स्टाइलिश है। अगर हम इस बाइक के फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ LED सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। इस बाइक की जो रात की विजिबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है और इस बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन में देखने के लिए मिलते हैं और जो रियर टेल लाइट है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल इस बाइक के जो लुक है वो काफी ज्यादा बेहतरीन देखने में लगते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको इस बाइक को डेफिनेटली परचेज करना चाहिए।
अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 164.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वॉल्व ऑयल कूल्ड DTSI इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको 1,30,000 रुपए एक्स शोरूम में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, जो नंबर वन पर बाइक आती है वो है कावासाकी की W175। अब इससे पहले आप वीडियो में गाली दो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कोई कंपनी सस्ते नशे कर कोई बाइक को डिजाइन करते हैं तब उसका रिजल्ट बिल्कुल यही होता है। मुझे लगता है कि जब कावासाकी का डिजाइनर इस बाइक को डिजाइन कर रहा था तो उसने गलती से बजाज की बॉक्सर को देख लिया था जो कि 1990 में इंडिया में लॉन्च हुई थी। दोस्तों, कावासाकी एक ऐसा ब्रांड है जिसने दुनिया भर में अपने नाम से तहलका मचा रखा है, जिसने निंजा जैसी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बाइक को प्रोवाइड करवाया था, लेकिन इतने बड़े ब्रांड ने भी पता नहीं क्या सोचकर इस बाइक को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। उन्होंने सोचा है कि इंडिया में सस्ती बाइकों को पसंद किया जाता है तो क्यों ना एक खटारे को वहाँ पे लॉन्च कर दिया जाए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये बाइक बिल्कुल ही ज्यादा बेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन मैंने इस बाइक को इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया है क्योंकि इस बाइक को इंडिया में इसी साल लॉन्च किया गया था। अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 177 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 इंजन देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इस बाइक का जो प्राइस है वो रहेगा 1,47,000 रुपए इंडियन रुपीस। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी मनपसंद बाइक मिल गई हो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली फोन पे बात करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स देकर मुझे अपना नंबर वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। सुपर थैंक्स देने का फायदा यह होगा कि जब भी आप सुपर थैंक्स देकर अपना नंबर ड्रॉप करेंगे मैं वहां पे आपको कॉल बैक जरूर करूंगा और आपको आपकी बेस्ट बाइक डिसाइड करने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, अभी तक जल्दी से जल्द वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।